उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के तहत व्यवारी नौनी कौथिक महोत्सव में हिस्सा लिया। वहीं सीएम ने रुद्रप्रयाग जिले के विकास के लिए 467 करोड़ 78 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन कर महिलाओं के साथ संवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। उन्होंने हर साल राज्य स्थापना दिवस पर अगस्त मुनि में आयोजित होने वाले मंदाकिनी शरद उत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेले को राजकीय मेला घोषित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने सीएससी में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त करने, द्वितीय केदार मदमहेश्वर को विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के साथ ही दुग्ध विभाग और सीएसआर के माध्यम से संचालित अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। वहीं रविवार को जनपद के एक दिवसीय भ्रमण के तहत अगस्त मुनि पहुंचे सीएम ने कहा कि पंच प्रयागों में एक रुद्रप्रयाग का देवभूमि उत्तराखंड में विशेष स्थान है। वहीं इस अवसर पर विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री का जनपद आगमन पर स्वागत करते हुए जनपद के विकास कार्य की जानकारी दी। विधायक केदारनाथ शैलारानी रावत ने श्री केदारनाथ धाम यात्रा में नया कीर्तिमान स्थापित होने पर मुख्यमंत्री धामी को शुभकामनाएं दी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अमर दे शाह ने जनपद के विकास के लिए मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे कार्यों पर धन्यवाद दिया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को, नौनियों को और बुआरियों को, सबको आगे लाने का जो संकल्प लिया गया है उसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए उनके जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं उसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से मातृशक्ति के उत्थान के लिए जो आयोजन हो रहे हैं, महोत्सव हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारी मातृशक्ति के जो बनाए हुए उत्पाद हैं, उनके बनाए हुए बहुत प्रकार के सामान हैं, उन सभी को एक अच्छा मंच प्रदान करेंगे, उनके प्रोत्साहन का काम करेंगे। और आज यहाँ 450 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जनपद के विकास में एक बहुत बड़ा काम होगा और एक नए युग का यहाँ सूत्रपात होगा।